जैसे कि अभी हम निकल चुके हैं सलासर बालाजी तो वहीं पे चलते हैं हमको दिक्कत वो लोड अगर आ देना और ना मिलता ना इसका बिल बना दो क्या बैठा है 55 कमेंट कर देना कल बहुत बुरी हालत होगी थक गए थे बहुत गंदी हालत होगी तो कम से कम 40-50 लाख लोग दर्शन करेंगे आए थे बहुत वही सब्जी थी तो अभी हम लोग के अंदर इसकी पेमेंट डलेगी ना तुम्हें आप देख सकते हो अभी नाश्ता करने आए हैं सुबह मॉर्निंग में नाश्ता करने आए हैं तो यही होता है। ये हमारे 100 भाई हैं सारे हैं, अभी जूस पीने रुके हैं, दोनों गाड़ियां रुकी हुई है। मिलते हैं अगर आपको आगे रखे मंदिर आ चुके हैं, दोनों गाड़ी लाइन में लग चुकी है और ये पार्किंग है और ये सब लोग हमारे चल रहे हैं। सामने पीयूष भाई है, सौरभ भाई है, वो दूसरा सौरभ भाई है, गौरव भाई है, ये हमारे गोल्डी भाई है, ये हमारे गर्व भाई है। आप देख सकते हो कि अभी हम हनुमान मंदिर आ गए हैं, सालासर हनुमान मंदिर। लंच वगैरह कर लिया और यहाँ से निकल रहे हैं, ये चाय वगैरह पी लिए और कुरकुरे वगैरह खा लिए। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं सीधा सालासर बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए। सारे बंदे भाई गाड़ियाँ कहाँ गई, गाड़ी तो सौरभ वाली तो एक गाड़ी, पीयूष वाली गायब होगी, पीयूष वाली गाड़ी वो ले गया उधर, वो वहाँ पे खड़ी कर, अरे यार वहाँ ले गया गाड़ी वो, ओ दूसरी गाड़ी निकली भाई, फिर हम पार्किंग में नहीं लगाई आपने, अरे दूसरी गाड़ी निकाल, हमारी दोनों गाड़ियाँ खड़ी है, एक गाड़ी ये रही एक गाड़ी बाहर खड़ी है। अब हम सीधा जा रहे दर्शन करने के लिए गाइस, तो आपके ब्लॉक के अंदर बने रहें। बाबा का मंदिर है, भीड़ देखो कितनी हो रखी है, मतलब खचाई खच भीड़ है, मतलब काफ़ी संख्या में भक्त आ रखे हैं दर्शन करने के लिए, दूर दूर से भक्त आए हुए हैं। यह मंदिर आपका श्री बालाजी मंदिर आप देख सकते हो, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि भीड़ होती है, हमारे भक्त वगैरह दर्शन करने के लिए आते हैं। देखो आप देख सकते हो भीड़ कितनी खचा खच है, मतलब कितने लाखों की संख्या में यहाँ पे भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए। हमारे यहाँ पे वीआईपी दर्शन होंगे, अभी आपको दिखाते हैं। वीआईपी दर्शन भी हमारे पीयूष भाई की वजह से हो रहे हैं। जय जय श्री राम। ये बालाजी महाराज के दर्शन के लिए जा रहे हैं अब हम सीधा। आप देख सकते हो कि वीआईपी दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि बहुत भीड़ थी यहाँ पे, वीआईपी दर्शन के लिए हम लोग निकल रहे हैं। ये पीयूष भाई है, सौरभ भाई ब्लॉगिंग करते हुए, गौरव भाई कर, अब हम जय सीधा जा रहे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाई बिल्कुल फ्रंट वाली लाइन में जा रहे हैं, बिल्कुल फ्रंट वाली लाइन में, कैमरा अलाउड नहीं है, बिल्कुल फ्रंट वाली लाइन वीआईपी एंट्री है। करके आ चुके हैं, दर्शन करके आ चुके हैं, वीआईपी दर्शन हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई, इजीली दर्शन हो गए हैं। ओपन दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमारे गाइज, और हम सब लोगों ने दर्शन करे, बहुत अच्छा लगा। भाई दर्शन अच्छे हो गए ना, अच्छे से दर्शन हो गए हैं, और भीड़ थी पर हमने दर्शन कर लिए, बालाजी महाराज ने हमें दर्शन दे दिया, किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी हमारे सौरभ भाई आ रहे हैं, पीयूष भाई आ रहे हैं, गर्व भाई आ रहे हैं, तो अभी आपको सीधा मिलते हैं गाड़ी के अंदर। तो ब्लॉग के अंदर बने रहे, अपना बेस्ट पार्ट कमेंट जरूर करते रहे, जो भी आपको बेस्ट पार्ट लगे। देख सकते हो कि हमारा रुकने का मन कर रहा था, हमारी सारी गाड़ियाँ लगी पड़ी है, भाई की गाड़ी लगी पड़ी है, ये भी गाड़ी लगी पड़ी है, रुकने का मन हुआ था रुक गए हैं। तो आप देख सकते हो ये सौरभ भाई व्लॉगिंग कर रहे हैं, ये हमारे भाई व्लॉगिंग कर रहे हैं, और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से सीधा, अभी थोड़ी देर के लिए रुके हैं फोटो सेशन करने के लिए, वीडियो सेशन करने के लिए, उसके बाद मिलते हैं आपको। बालाजी महाराज के दर्शन हो चुके हैं और अब हम निकल चुके हैं घर के लिए, तो सीधा हम घर पे जाकर जा रहे हैं। तो अभी ऑन रोड रास्ते में हम मिलते हैं, पहले कुछ खाएंगे उसके बाद सीधा हम जाएंगे अपने घर, तो वहीं मिलते हैं आपको। तो ब्लॉग के अंदर बने रहे, अपना बेस्ट पार्ट कमेंट करते रहना, जो भी आपका बेस्ट पार्ट रहे, और नेक्स्ट वीडियो हम किसके ऊपर लेके आए ये भी बताना।
जैसे कि आप सब देख सकते हो कि घर जाते आते रास्ते में एक मंदिर पड़ा था, तो इस मंदिर का नाम क्या था भाई? रानी सती मंदिर। रानी सती मंदिर था इस मंदिर का नाम। ये जो है ये रानी सती मंदिर है, मंदिर देखो कितना बड़ा और कितना प्यारा लग रहा है, देख सकते हो मंदिर। मतलब जन्नत देखनी हो ना किसी को जन्नत, तो वो यहाँ देखे जन्नत। मतलब क्या प्यारा मंदिर बना रखा है, ओए होए मजा ही आ गया। अब हम सीधा अंदर जा रहे हैं, अंदर चल के दिखाते हैं आपको अंदर का व्यू। मंदिर में भी भीड़ आज नहीं है, खाली पड़ा है मंदिर भी। बस अब आप मंदिर देख सकते हो गाइस, अब कितना ही प्यारा मंदिर है, ओए होए। मतलब लाइक किसी को जन्नत देखनी हो ना, जन्नत यहाँ देखो यार आके। मतलब यहाँ पे आने के बाद आपका मन ही नहीं करेगा घर जाने का। देख सकते हो कि यहाँ पे अब हम मतलब बहुत गंदी हालत हो चुकी है, हालत ख़राब हो चुकी है, गाड़ी चला चला के हालत ख़राब हो चुकी है। तो बता दें अभी हम सब लोग यहाँ पे खाना खाने आए हैं, ओल्ड राव होटल प्योर वेज। खाना खाने आए, खाना खा के फिर सीधा जाएंगे घर, और घर जाने के बाद आपको मिलते हैं सीधा आप घर पे। अब तक के ब्लॉग के अंदर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, और अपना बेस्ट पार्ट कमेंट करके जरूर बताएं।